हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके ना परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो एडमिशन है 2024 के, वो कब से स्टार्ट होंगे। तो पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और इस नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और ये जो नया साल है आपके जीवन में काफ़ी खुशियाँ लेकर आए। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी स्कूल में होंगे, जो अभी 12th का एग्ज़ाम देंगे इस साल। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं बीए, बीकॉम या अदर किसी कोर्सेज में, तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहता है, कैसे आप दिल्ली विश्वविद्यालय से कोई भी कोर्स कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। पूरा एडमिशन प्रोसीजर मैं आपको आज वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। तो देखिए, कोई भी अपडेट रहेगा आपको हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई। एक्चुअली अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो आपको CUT देना होगा। CUT जो कि पिछले साल से ही कंपलसरी कर दिया गया है, विदाउट CUT के आप दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, अगर मैं CUT की बात करूँ तो जो CUT के रजिस्ट्रेशन है वो हमें इसी महीने 15 के बाद देखने को मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है CUT की, वो हमें देखने को मिल जाएगी। तो जैसे CUT का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, मैं आपको बता दूँ, जैसे CUT UG यानी CUT अंडर ग्रेजुएट बोला जाता है, जिसके लिए आप BA BCOM तभी होगा जब आप अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लोगे। तो CUT के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप या बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी आपको तैयारी साथ साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि एकदम रिजल्ट आने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय अपना CSCS पोर्टल लॉन्च कर देगा, और तब तक आपका CUT का भी जो रिजल्ट है वो आ चुका होगा। तो जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो इसी महीने शुरू हो जाएगी, और जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपके फरवरी तक चलेगी। मार्च और अप्रैल के बीच में आपके एग्जाम्स होंगे, और मई जून तक आपके रिजल्ट आएंगे। जब आपका 12th का रिजल्ट आ जाएगा तब तक CUT का भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रोसीजर पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा। जब आपका CUT का रिजल्ट आ जाएगा, देन उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा CSCS पोर्टल पे 2024 के लिए। जब वो पोर्टल लॉन्च होगा तब आप पे पोर्टल पे लॉन्च करो, फिर आपका एक रेफरेंस सीट बनेगी, तब जो आपकी मार्क्स होंगे, क्योंकि CUT UG के यहाँ पे ही आपका पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगा। आपका जो स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट आएगी, हर राउंड में एक की मेरिट आएगी आपकी यूजी की। अगर किसी मेरिट में आपका होता है तो उस मेरिट के अकॉर्डिंग फिर आप सीट के लिए आवेदन करोगे, किस किस कॉलेज में आप रेफरेंस देते हो। किसी भी सीट में अगर आपकी सीट पक्की होती है तब जाकर आपको पेमेंट करना होता है, फिर जाके आपका एडमिशन हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट इसमें जो मेन डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे, जो आपके पास होना ज़रूरी है, अगर आप SC ST EWS से बिलोंग करते तो आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। एक इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ज़रूर इनकम सर्टिफिकेट अपना बनवा लेना, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट मांगता है और मांगने की पूरी संभावना है, और प्रॉब्लम आ जाती है विदाउट इनकम सर्टिफिकेट की। ठीक है, और बाकी 10th 12th की मार्कशीट लगेगी। 12th का जब तक रिजल्ट आ जाएगा तब तक दिल्ली विश्वविद्यालय अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे रिजल्ट आ जाएगा, आपका 12th का रिजल्ट लगेगा, 10th की मार्कशीट भी अपलोड होगी, और वो सब ऑनलाइन ही आप डिटेल दोगे। देन उसके बाद आपकी आधार कार्ड की डिटेल वगैरह डाल के तब आपका एडमिशन क्लियर हो जाएगा, और अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो बिग अपडेट ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की जैसी एडमिशन स्टार्ट होंगे, मैं आपको बता दूँगा, CUT UG के जो रजिस्ट्रेशन है इसी महीने से शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो यदि आज की वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा। थैंक यू।